हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन प्लान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं अपने ब्राइडल कलेक्शन के तीसरे वीडियो के साथ आ गई हूँ, जिसमें मैं ड्रॉ करने वाली हूँ ब्राइड के लिए एंगेजमेंट कॉस्ट्यूम। सो आप देख सकते हैं कि मैंने लहंगा चोली सब ड्रॉ कर लिया है और अब मैं सी ग्रीन कलर से अपना लहंगा कलर कर रही हूँ। कलरिंग के लिए मैंने यूज़ किए हैं कैमलिन के ब्रश पेन्स। अगर आप चाहें तो स्ट्रेडलर्स, वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश पेन्स यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप ब्रश पेन्स को लेके कॉन्फिडेंट है कि आपको ब्रश पेन से करना आता है तो ही आप प्लीज़ ब्रश पेन्स करना, वरना ब्रश पेन से पैचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेमी फ्लैट लहंगा बनाया है और ऊपर चोली में वन साइडेड चोली बनाई है जिसमें वन स्लीव्स है, उसमें मैंने वो स्लीव्स फ्लेयर वाली स्लीव्स दी है और पीछे दुपट्टा दिया है। तो गाइस ये मैं अपना पहली कोटिंग कर रही हूँ, तो इसमें अभी आपको पैचेस दिख रहे होंगे, लेकिन जब मैं उसको दूसरी बार कोट करूँगी तब इसमें एक भी पैचेस नहीं दिखेगा। अभी तक जिस जिसने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिस जिन लोगों ने अभी मेरा ब्राइडल कलेक्शन की पहली दो वीडियोस भी नहीं देखी है, एंगेजमेंट रिंग फॉर अ ब्राइड एंड एंगेजमेंट रिंग फॉर अ ग्रूम, फटाफट जाओ और वीडियोस देख लो। लिंक उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों कोटिंग कर लिए ब्रश पेन से सी ग्रीन कलर के। अब मैं एक सिल्वर ग्लिटर पेन ले रही हूँ जिससे मैं अपने अंदर की डिज़ाइंस बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर पेन ले रही हूँ और इसमें मैं बहुत सिंपल से डिज़ाइंस दे रही हूँ, बहुत हैवी लुक नहीं दे रही हूँ। तो मैं इसमें छोटे छोटे वेल्स और उसके ऊपर ब्लॉसम फ्लावर्स और लीव्स की पैटर्न दूंगी। ये देख सकते हैं कि मैंने पूरे वेल कर दिए, अब उसमें मैं ब्लॉसम फ्लावर्स दे रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी दे रही हूँ, बहुत बड़े बड़े भी नहीं दे रही हूँ। और इसको मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में नहीं बनाया है, रैंडम्स बनाया है तो ही अच्छा है और नेचुरल दिखेगा। अगर आप एक मेजरमेंट से बनाओगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। और हाँ, ये जो बेसिक क्रॉकी है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने पहले शेयर किया हुआ है, तो अगर आप जिसने नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हो। अभी आप देखो मैंने सारे ब्लॉसम फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं, अब मैं उसमें छोटी छोटी लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। और हेयर स्टाइल्स का भी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, वो भी आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए मैं ऐसे छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ, ये भी मैं नेचुरली रैंडम्स बना रही हूँ, कोई परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने अपने सारे लीव्स ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं जो लहंगे की फ्लेयर है उसको हाईलाइट करने के लिए उसे मैं ब्लैक स्ट्रेडलर से थोड़ा उसमें इफ़ेक्ट दे रही हूँ, जिससे हमारे फोल्स बहुत ही नेचुरल लगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे फ्लेयर्स दे रही हूँ। देखिए मैंने उस तरह से सारे फ्लेयर्स दे दिए, इसलिए अब ये 3D लुक लग रहा है। अब मैं अपने चोली के लिए भी यही कलर यूज़ कर रही हूँ, सी ग्रीन कलर। मैं
मैं स्लीव्स को इससे कलर नहीं करूँगी क्योंकि स्लीव्स मैं नेट की रखने वाली हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी चोली, फिर मैंने नेकलेस में चोकर बनाया, उसके मास्क, हेयर स्टाइल और स्किन कलर सब कर लिया मीनवाइल में। उसके बाद अब ये देखिए, मैं स्लीव्स के लिए सी ग्रीन कलर का स्ट्रेलर यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक शिफॉन नेट, जो सॉफ्ट नेट्स आती है, उसका इफेक्ट देने वाली हूँ जिससे हमारे फ्लेयर्स बहुत अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप इसे एक ही डायरेक्शन में लेके जाना वरना बहुत गंदा लगेगा और पैचेस भी दिख जाएंगे उसमें। सो अच्छा आप एक ही पोजीशन में स्टार्ट लो उसको घुमाना। देखिए इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ स्लीव्स को। उसके बाद मैं दुपट्टे को भी इसी कलर से, इसी तरह से करूंगी। वो दुपट्टा मैं थोड़ा लाइट रख रही हूँ कि वरना बहुत डार्क डार्क हो जाएगा, तो मैं दुपट्टा थोड़ा लाइट रख रही हूँ। अब देख सकते हैं मैंने उसके गले में जो नेकलेस बना वो चोकर बनाया है और एक मास्क भी मैंने रेडी कर दिया है हमारा विद द लोगो ऑफ आवर चैनल फैशन ब्लेंड। सो आप देखिए मैंने दुपट्टे को भी कर दिया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे जिसके लिए हम ब्रश लेंगे, राउंड ब्रश लिया मैंने और इसको पानी से ब्लेंड कर देंगे हम। जैसे कि मैंने अपने वो गैलेक्सी कॉस्ट्यूम वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि इसको ब्लेंड कैसे करते हैं, अभी जिससे इसने वो वीडियो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ उस वीडियो को देखो। अब ये देख सकते हैं मैंने उसको अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है। और ध्यान रखना कि ये इसमें जाए ना ब्रश बाजू के चोली में आकर ना छू जाए वरना वो भी बिगड़ जाए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अंडरस्कोर फैशन ब्लेंड करके। आप देख सकते हैं मैंने दुपट्टे को भी मैं वैसे ही ब्लेंड कर दूंगी वाटर से। अगर आप चाहे तो ईयरबड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाटर और ब्रश से करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और ईयरबड से भी अच्छा लगता है। एज आपको जो ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। देखिए आप देख सकते हैं हमारा दुपट्टा लाइट है। ब्लेंडिंग टेक्निक मैं ऑलरेडी आपको वो गैलेक्सी वाले कॉस्ट्यूम के वीडियो में दिखा चुकी हूँ डिटेल में, तो आप फटाफट जाइए और वो वीडियो भी देख लीजिए और उस और बाकी सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उसमें कमेंट करें। तो आप देख सकते हैं मैंने उसके बाद स्लीव्स में थोड़ी फ्लैश दी है और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। आप देख सकते हैं कि मैंने मांग टीका भी बनाया।